खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 90 सालों के इतिहास के बाद इस बार 6 फरवरी 2024 यानी कि सट तिला एकादशी पर बनेंगे 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 6 राशियों की बदल जाएगी किस्मत। जी हाँ मित्रों, 6 फरवरी सट तिला एकादशी के बाद से ही 6 राशि वाले लोगों के जीवन में अपार धन दौलत, सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होने वाली है। मतलब एकादशी के बाद से ही धन के भंडार अब उनके खुलने वाले हैं। अचानक से धन का लाभ होगा और इसी साल 2024 में कोई भी अच्छी और बड़ी संपत्ति भी अर्जित कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सट तिला एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी और साथ ही किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या बदलाव होगा। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों मित्रों, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है ना, उसे सट तिला एकादशी कहा जाता है। इस बार सट तिला एकादशी का जो महापर्व है वो 6 फरवरी 2024 के दिन पड़ रहा है, मंगलवार के दिन। सट तिला एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की उपासना की जाती है और साथ ही श्री हरि भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए यह जो दिन है ना वो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू सनातन की मान्यताओं के अनुसार सट तिला एकादशी पर कुछ ऐसे विशेष उपाय जो कि आपकी राशि के अनुसार बनते हैं, उन उपायों को करके आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, माता लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं सट तिला एकादशी पर किस प्रकार से पूजा की जानी चाहिए, पूजा की विधि क्या है, और उसके बाद अपन भाग्यशाली राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे। मित्रों एकादशी के दिन सबसे पहले आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाना है। स्नान करने के बाद आपके घर में जहाँ पर भी मंदिर है, जहाँ पर भी देवी देवताओं की आप पूजा पाठ करते हैं अपने घर पर, वहाँ की साफ सफाई करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी का जल से अभिषेक करें। फिर पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें और उसके बाद भगवान विष्णु जी को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। फिर मंदिर में घी का दीपक जलाएं। घर के मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं। संभव हो तो व्रत करें, अगर आप व्रत कर सकते हैं तो। उसके बाद सूर्योदय के समय सट तिला एकादशी पर भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। फिर अंत में प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह से विधि विधान के अनुसार अगर आप सट तिला एकादशी की पूजा करेंगे और राशि के अनुसार जो मैं आपको आगे बताऊंगा, अलग अलग राशि के अनुसार आप जो उपाय करेंगे ना, तो साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी और आपको अचानक से धन का लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं सट तिला एकादशी के बाद किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या बदलाव होगा। तो चलिए एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू शै ने ठे पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। मित्रों सट तिला एकादशी पर स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, साक्षात रवि योग लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। इससे सट तिला एकादशी का जो महत्व है ना वो भी कई गुना बढ़ चुका है। साथ ही सट तिला एकादशी के बाद से ही कन्या राशि वाले लोगों को अपार रूप से धन का लाभ होगा, आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और परिवार में सुख शांति और समृद्धि स्थापित होगी। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं ना, तो फरवरी के महीने में 5 फरवरी से ही आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग बनेगी, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है वो आपके काम का सहयोग करेंगे, संतुष्ट रहेंगे। व्यापार में भी आपकी तरक्की बढ़ने के योग रहेंगे। व्यापार में इस साल धन का लाभ होगा और साथ ही धन की बचत होगी। यूं कहें कि एकादशी के बाद आपका सोया हुआ भाग्य ही जागृत होगा। माता लक्ष्मी जी के शुभ प्रभाव से अगर आपकी नौकरी में या व्यापार में कोई भी परेशानी चल रही है, चाहे आर्थिक रूप से परेशानी हो या आपके मन में कोई भी तनाव टेंशन चिंता चल रही है ना, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। नई जगह से जॉब का अवसर प्राप्त होगा। संतान की तरफ से भी अच्छी और बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। व्यापार में आपको मुनाफा होगा। अटका हुआ धन फिर से वापस मिलने के प्रबल योग है और साथ ही घर परिवार में आपके जो भी गृह कलेश चल रहे हैं ना वो भी दूर होंगे, उनका समाधान होगा।
कन्या राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि सट तिला एकादशी के दिन आप अपने घर में तिल का हवन कराएं। उसके बाद ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें और हर बार तिल की ही आहुति करनी चाहिए। इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, जैसे कि आर्थिक समस्या हो, कर्ज की दिक्कत हो या आपके घर में कोई भी परेशानी चल रही हो, उस समस्या का समाधान होगा। साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। चलिए जान लेते हैं सट तिला एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि इतनी ज्यादा कठिन मेहनत करने के बावजूद भी जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? क्या कुंडली में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है? उसका समाधान क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार अटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट पद्धति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं सट तिला एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए सट तिला एकादशी के बाद समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध होगा, क्योंकि एक तो भगवान शुक्रदेव आपकी राशि के नवे भाव में गोचर कर रहे हैं, ऐसे में इस समय आपका भाग्य उदय होगा, साथ ही माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए काम थे वो अब बन सकेंगे। अलग अलग कई क्षेत्रों में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपका काम कारोबार पहले की तुलना में और भी ज्यादा गति के साथ आगे बढ़ेगा, घर परिवार की जो स्थिति है ना वो शुभ रहेगी। जो भी विद्यार्थी है, छात्र है, इस दौरान कहीं पर भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए दाखिला की आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। साल 2024 जो है ना वो कर्क राशि वाले लोगों विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी का लाभ दिला सकता है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सट तिला एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान ध्यान करते समय जल में तिल मिलाकर तुलसी के पौधे को अर्पित करें। इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होगी और साथ ही माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान रहेगी। चलिए जान लेते हैं सट तिला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी सट तिला एकादशी का जो महापर्व है ना ये बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहने वाला है। जल्द ही आपको भवन और वाहन का सुख प्राप्त होगा, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में खुशियों का आगमन रहेगा और साथ ही आप उन्नति के लिए भी कार्य करेंगे। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट
स्पेंड करना चाहते हैं या कहीं पर आप कोई भी अच्छी और बड़ी संपत्ति खरीदना चाहते हैं ना, तो यह समय आपके लिए काफी अच्छा और शुभ रहेगा। 6 फरवरी के बाद आपको नौकरी में प्रमोशन के योग मिलेंगे, व्यापार में भी तरक्की होगी। इस बार आपके जो अधिकारी है वो आपके काम से खुश रहेंगे, नौकरी में आपको तनख्वाह बढ़ेगी और साथ ही अगर आप बेरोजगार है किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, तो फरवरी महीने में आपकी यह इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुर संबंध स्थापित होंगे, पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल जो है ना वो पहले की तुलना में अच्छा और बेटर रहेगा। तुला राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि सट तिला एकादशी वाले दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में पीले रंग का वस्त्र दान कीजिए। इससे आपको अपने कार्य में तरक्की मिलेगी और जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी परेशानियां आ रही है ना, उसका समाधान होगा। चलिए जान लेते हैं सट तिला एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थै जय दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार 6 फरवरी यानी एकादशी के दिन जो स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव असर डालेगा। फरवरी मार्च इन दो महीनों के दौरान आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। बिजनेस को लेकर आप यात्राओं पर जा सकते हैं और वो यात्राएं भी आपकी सफल होगी, धन लाभ के योग बनेंगे। जो भी विद्यार्थी है करियर में उनको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। आपके पारिवारिक रिश्ते पहले की तुलना में बेहतर रहेंगे और दान धर्म के लिए आप जो भी कार्य करेंगे ना, उससे आपके सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपको माता लक्ष्मी जी की एकादशी के दिन उपासना करनी चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु जी की पूजा करें। पूजा के समय जल में तिल मिलाकर उनको अर्पित करें, इससे जीवन में आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ सट तिला एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।